मऊ के घोसी में बीजेपी और सपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सपा से सुधाकर सिंह और बीजेपी से दारा सिंह चौहान किस्मत अजमा रहे हैं। घोसी उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आज बीजेपी और सपा प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटियों में कैद हो जाएगी। घोसी उपचुनाव के लिए आज शाम 6 बजे तक मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आम जनता के बीच भी घोसी उपचुनाव का जबरदस्त उत्साह है। वोटिंग के बीच उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बड़ा दावा किया है। क्या कुछ कहा है वो आपको बताएं। उससे पहले सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह का गंभीर प्रशासन पर वो आरोप देख लीजिए। आपको बता दें कि यूपी की घोसी सीट पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। आज बीजेपी और सपा प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटियों में कैद हो जाएगी। घोसी उपचुनाव के लिए आज शाम 6 बजे तक मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसी बीच सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के आरोप शुरू से ही हमारे खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जो भी होगा उसमें से 70% हमारा होगा, लेकिन बूथ पर रोका जा रहा है। वहां पर इंस्पेक्टर को क्या पावर है कि वो आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और निर्वाचन कार्ड चेक कर रहे हैं और स्पेलिंग पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और हमारे बीच कोई मुकाबला नहीं है, ये पोलिंग बूथ रुकवा दे, बस यही मुकाबला है। सुधाकर सिंह ने कहा कि चुनाव में लगातार गड़बड़ी की जा रही है, पुलिस किस अधिकार से आधार कार्ड चेक कर रही है ये पता किया जाए। मैंने तहसीलदार मऊ को इस बारे में बताया है, सब लोग वोट करना चाहते हैं, उन्हें रोका जा रहा है। सपा के आरोप पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है, मतदाताओं का आशीर्वाद कमल के फूल पर है। उन्होंने घोसी उपचुनाव को एक तरफा बताया और कहा कि बीजेपी के पक्ष में नतीजे आने वाले हैं। चुनाव में धांधली के आरोप पर उन्होंने सपा को आड़े हाथों लिया। बृजेश पाठक ने कहा कि हार को सामने देख सपा अनर्गल आरोप लगाती है। बता दें कि अखिलेश यादव ने वोटिंग से एक दिन पहले सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया था। बहरहाल आपकी इस खबर पे क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी।